हाँ तो जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। दोस्तों मेरा नाम राहुल है, हाँ मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर एंड इंटीरियर डिजाइनर बाय प्रोफेशन। दोस्तों आप सबने कभी ना कभी अपना घर बनाया होगा या फ्यूचर में बनाने की इच्छा रखते होंगे, या कई ऐसे मेरे सिविल इंजीनियर दोस्त हैं जो चाहते हैं कि उन्होंने आज तक जितनी भी नॉलेज ली है उसके अलावा उन्हें कहीं ना कहीं से हटकर कुछ रियल टाइम मार्केट नॉलेज मिले। प्लस मैं आपको पूरे के पूरे स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स बताऊंगा कि कैसे घर बनाते हुए आपको अपने कॉन्ट्रैक्टर से किन किन चीजों के रिगार्डिंग बातें करनी होती है, कॉन्ट्रैक्टर जब घर बनाता है तो किन किन प्रोसेस को उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, कैसे आप अपने मटेरियल को बचा सकते हैं, आपके मटेरियल की ओवरलैपिंग ना हो, और कब कब कौन कौन सा प्रोसेस फॉलो करने से घर के कंस्ट्रक्शन का टाइम होता है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 30 स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप अपना पूरा घर कंप्लीटली फ्रॉम स्टार्टिंग विच इज फाउंडेशन वर्क टू एंड पेंट वर्क, वो पूरा का पूरा मैं प्रोसेस में कब कब कौन कौन सा प्रोसेस फॉलो करके आप अपना घर बना सकते हैं मैं पूरा वो आपको 30 स्टेप्स में बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो की एक एक प्रोसेस को एक एक स्टेप को बड़ा ध्यान से देखिएगा। एक घर बनाते हुए दोस्तों हमें स्ट्रक्चर डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि हमारी पॉकेट हमें क्या अलाउ करती है। दोस्तों मार्केट में दो तरीके के स्ट्रक्चर कॉमनली यूज किए जाते हैं, एक है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर और एक है हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर। दोस्तों लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले फाउंडेशन डालते हैं, फिर उसके बाद डीपीसी इंस्टॉलेशन करते हैं, और उसके बाद हमारा ब्रिक वर्क, देन हमारी स्लैब यानी आरसीसी कास्टिंग करते हैं। लेकिन दोस्तों फ्रेम स्ट्रक्चर में हम कॉलम डिजाइन करते हैं, पहले कॉलम की फुटिंग करते हैं, फिर कॉलम का एक्सटेंशन करते हैं, उसके बाद हम हमारा ब्रिक वर्क करते हैं, फिर हम हमारी आरसीसी स्लैब की कास्टिंग करते हैं। तो दोस्तों फ्रेम स्ट्रक्चर ज्यादा बेटर रहता है क्योंकि उसमें हमारे जो आरसीसी का जो लोड है, जो मेरी छत का लोड है, वो ब्रिक पे ना आके वो कॉलम पे आता है, हमारे जितने भी कॉलम हमने बनाए उन पे आता है। तो जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन जिस हिसाब से आजकल हो गई हैं, आपको फ्रेम स्ट्रक्चर पे ही घर बनाना चाहिए। दोस्तों इस साइड प्लान डिजाइनिंग प्रोसेस में हम किन किन चीजों पर ध्यान देते हैं वो मैं आपको बताऊं। एक तो आप ये ध्यान देते हैं कि आपके वहाँ की लोकल अथॉरिटी जिन्होंने आपको जमीन का पजेशन दिया है, जैसे मैं जयपुर से हूँ, हमारे यहाँ पे जेडीए है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो आपको साइट प्लान में मेंशन करते हैं कि आपको फ्रंट में कितना स्पेस वैकेंट छोड़ना है यानी उस पर घर नहीं बनाना, बैक में कितना स्पेस वैकेंट छोड़ना है जिस पे घर नहीं बनाना, और लेफ्ट एंड राइट साइड आपको कितना कितने स्पेस पे घर नहीं बनाना। आपका आर्किटेक्ट और आपका इंजीनियर किन किन चीजों पे ध्यान देगा कि कॉलम कहाँ कहाँ प्लेस हो, आपका किचन घर में वास्तु के अकॉर्डिंग, ये आपके घर के बाकी जो जो चीजें हैं जैसे मास्टर बेडरूम है वो वास्तु के अकॉर्डिंग कहाँ प्लेस होगा, आपका टैंक कहाँ पे रहेगा, अदर देन दिस आपके घर का पूजा घर कहाँ रहेगा, आपके एंट्री एग्जिट पॉइंट्स प्लस आपके वेंटिलेशन पॉइंट्स, ये सारी चीजें वास्तु के अकॉर्डिंग वो डिजाइन करते हैं। आप इसकी 2D डिजाइनिंग भी करवाएं, 3D डिजाइनिंग भी कराएं, उसके बाद दोस्तों आपको एक कॉन्ट्रैक्टर हायर करना पड़ता है। अभी दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो कॉन्ट्रैक्टर जब हायर कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्टर आप उसको विथ मटेरियल देना चाहते हैं, मतलब उसमें लेबर भी उसकी और मटेरियल भी उसकी, तो उस अकॉर्डिंग आप उसको पेमेंट करना चाहते हैं, या दूसरा तरीका यह है दोस्तों आप उनको सिर्फ उनकी लेबर का पैसा दीजिए कि सारा का सारा सिविल वर्क, सारा का सारा एंड वर्क, सारा का सारा लेबर वर्क वो करेंगे, वो करवाएंगे, एंड आप सारा मटेरियल उनको प्रोवाइड करेंगे। एक्सकेवेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, हम जो हमारी लैंड लेते हैं उस लैंड से हमको मिट्टी एक्सकेवेट करानी पड़ती है यानी मिट्टी हटवानी पड़ती है। तो एक्सकेवेशन में दोस्तों आप किन किन चीजों पे ध्यान देंगे, एक तो आपकी सॉइल टाइप कैसी है, आपके वहाँ की जो आपके स्ट्रक्चर इंजीनियर बताएंगे कि आपको 3 फीट नीचे, 3.5 फीट नीचे या 4 फीट नीचे, 5 फीट नीचे, कितने फीट नीचे तक आपको आपकी सॉइल एक्सकेवेट करानी है, एंड दूसरी चीज आपके वाटर टैंक आप कितना डेप्थ में रखना चाहते हैं इसके बेसिस पे आप एक्सकेवेट कराएंगे। जैसे कि दोस्तों कुछ स्टार्टिंग स्टेप में जो हमारे मटेरियल हमें यूज आने वाले हैं मैं उनके बारे में बताता हूँ। जैसे दोस्तों एक हमें स्टील बार चाहिए होता है। दोस्तों स्टील बार में मार्केट में दो तरीके के स्टील बार्स होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी स्टील बार्स जो कम्प्लीटली स्टील है यानी Fe 550D कैटेगरी के स्टील है, एक दोस्तों होते हैं 500D के कैटेगरी के स्टील जो 100% प्योर स्टील नहीं होते, उनमें कुछ अलॉयस मिक्स होते हैं, इनका वेट रफली 2-3% कम रहता है। अदर देन दिस दोस्तों जो मेन इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यूज होने वाली है वो हम होती है सैंड। अब दोस्तों कुछ लोग सैंडस्टोन लेते हैं यानी जो पत्थर होते हैं उनका चूरा होता है, और कुछ लोग बजरी यूज करते हैं, ये मिक्सिंग मटेरियल होता है। दोस्तों आपके वहाँ पे जिस चीज की अवेलेबिलिटी ज्यादा इजी हो और ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली हो आप उसे यूज कर सकते हैं। तो हमें ब्रिक्स की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। अब दोस्तों ये आपको चूज करना है कि आपके वहाँ पे आप फ्लाई ऐश ब्रिक यूज करना चाहते हैं या रेड ब्रिक यूज करना चाहते हैं या AAC ब्लॉक्स यूज करना चाहते हैं। इसके अलावा आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यूज होती है वो होती है एग्रीगेट। एग्रीगेट दोस्तों क्या होता है, एग्रीगेट मतलब मैं अगर आपको सिंपल देसी लैंग्वेज में बोलूं तो वो होती है रोड़ी। दोस्तों रोड़ी हमारे जनरली 20 mm की यूज होती है, एंड जो हमारे
कॉलम की जो हमारी फुटिंग होती है उसके लिए हम 40mm रोड यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट टाइप होता है स्टोरेज एंड वाटर टैंक फैसिलिटीज। दोस्तों आप घर बनाते हैं तो आपको जनरली सीमेंट की रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है, तो दोस्तों सीमेंट को स्टोर करने के लिए हमें कोई घर के आसपास कोई स्पेस क्रिएट करना पड़ता है, वो टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम अपना वो सीमेंट स्टोर कर पाए, जिससे हमारा सीमेंट बारिश में या किसी मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी के चक्कर से खराब ना हो। इसी स्टेप में ही आप अपने घर का वाटर टैंक बना देते हैं। एंड हाँ दोस्तों, वाटर टैंक बनवाते हुए आप इस चीज का जरूर ध्यान दें कि आपका जो वाटर टैंक है उसकी जो इनसाइड लेयर होगी उसका जो हम प्लास्टर करेंगे यानी हम सीमेंट और बजरी का जो मिक्सिंग करेंगे उस मसाले में आपको डॉक्टर फिक्सिट जरूर डलवाना है, जिससे कि दोस्तों आपके टैंक के अंदर प्लास्टर के अंदर क्रैक ना आए और आपके टैंक जो है वो पानी पिए नहीं, जो जनरली एक प्रॉब्लम बहुत देखी जाती है। स्टेप में क्या होता है, जो आपके इंजीनियर आते हैं वो आपके कॉन्ट्रेक्टर को आपके जहां जहां पे उन्होंने साइड प्लान के अकॉर्डिंग कॉलम डिजाइन किए हैं वो हर जगह उस अकॉर्डिंग मार्किंग करके जाते हैं और आपके पूरे प्लॉट की मार्किंग करते हुए उनको बताते हैं कि कहां से कहां तक बाउंड्री है, कॉलम कितने कितने कहां कहां से अंदर रहेंगे। एंड उस कॉलम मार्किंग करवाते ही आप अपना, जैसे ही आपको पता है यहां आपका कॉलम लगना है, वहां अपना कॉलम से पहले पीसीसी बेड कराएं। अब वो दो तरीके से होता है दोस्तों, आइदर आप एग्रीगेट से कराएं या पत्थर से कराएं। पत्थर से कराते हैं तो दोस्तों उस स्टेप को बोलते हैं सोलन करवाना, और अगर आप एग्रीगेट से कराते हैं तो उसे बोलते हैं दोस्तों पीसीसी बेड। तो उस बेड में दोस्तों हमें 40mm रोडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों कॉलम का जो जाल लगता है नीचे, उस जाल के लगने से पहले जो हम अपना उस मिट्टी को पक्का करवाते हैं ऊपर से, उसे हम बोलते हैं पीसीसी बेड। दोस्तों आपने अपना पीसीसी बेड बनवाया, पीसीसी बेड के ऊपर आप अपना कॉलम का जाल रखते हैं, फिर आप अपना कॉलम बांध देते हैं। इस कॉलम को बांधने के बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि कॉलम को उस पीसीसी बेड से जोड़ना। अब जोड़ने के दोस्तों कई प्रोसेस होते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉलम फुटिंग। तो दोस्तों फुटिंग करने के तीन प्रोसेसेस हैं, आइदर आप उसके ऊपर एक बेड फुटिंग बनाए यानी एक बेड चल रहा है, आप उस पर स्लोप फुटिंग बनाए, और या आप उस पर स्टेप फुटिंग बनाए कि आपने स्टेप में करके उस कॉलम को अपने उस जाल से जोड़ा है। नेक्स्ट स्टेप होता है कॉलम शटर कास्टिंग, यानी दोस्तों अब जो कॉलम है आपका, उस कॉलम के कॉलम आपका खड़ा तो हो गया लेकिन उस कॉलम के चारों तरफ से हमको शटर्स बांधने पड़ते हैं, जिससे कि आपके जितने साइज का कॉलम है वो इवनली नीचे से लेके ऊपर तक वो उसी साइज का कॉलम रहे। तो उस साइज के हम शटर्स मंगवा करके उनको फ्रेम में बनवा करके हम वो खड़े करवाते हैं। तो दोस्तों जो शटर कास्टिंग होती है, शटर कास्टिंग से पहले आप जरूर ध्यान दीजिए कि जो आपके आयरन प्लेट्स होती हैं उनके अंदर बिल्कुल ढंग से ऑयल की रबिंग हो, जिससे कि जब हम उन शटर्स को हटाएं तो उन शटर्स के ऊपर हमारे कॉलम के अंदर जो मिक्सिंग है वो चिपक के साथ में ना निकले। दोस्तों आप जब भी अपना घर बनाएं तो उसमें आपको फाउंडेशन जरूर करवानी पड़ती है। आपका जो फर्स्ट कॉलम की शटर कास्टिंग हो गई, उसके बाद आप अपने जितनी भी आपने एक्सकेवेटेड सॉइल थी जो आपने अपने फाउंडेशन के हिसाब से कराई थी, अब वो राइट टाइम होता है आप अपनी फाउंडेशन बनाए। तो दोस्तों जो हमारी फाउंडेशन होती है फिर उसके ऊपर हमारी प्लिंथ बीम लगती है एंड फिर हमारा डीपीसी लगता है। इस चीज का जिक्र आप अपने स्ट्रक्चरल इंजीनियर से जरूर कीजिएगा कि आपकी फाउंडेशन की हाइट किस लेवल तक रहनी चाहिए एंड फाउंडेशन कितना ब्रॉड होना चाहिए। जनरली दोस्तों फाउंडेशन जो हमारा होता है वो 2 feet ब्रॉड होना चाहिए, जिससे कि दोस्तों हमारे जो ब्रिक का लोड है वो फाउंडेशन पे ज्यादा ना पड़े एंड फाउंडेशन को बड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ मिल जाए। एंड इस फाउंडेशन के ऊपर दोस्तों हमें प्लिंथ भी इंस्टॉल करनी पड़ती है, ये भी हम दोस्तों इसलिए इंस्टॉल करनी पड़ती है जिससे दोस्तों हमारा जो ब्रिक वर्क है उसका लोड हमारे डायरेक्ट फाउंडेशन पे ना आए। आपने कई बार घर में देखा होगा कि टाइल की स्केटिंग के कोने से चींटियां आ जाती हैं या कई बार ऐसी बातें सुनने को मिलती है कि हमारे घर के नीचे सांप निकले। दोस्तों आप जब भी अपना प्लिंथ बीम बनवाएं उसके बाद जब आप सॉइल फिलिंग करवाएं, तो दोस्तों सॉइल फिलिंग कराने के बाद एक तो आपको पानी के टैंक मंगा करके उस पर बड़े ही प्रेशर से पानी डालना पड़ता है, जिससे कि नीचे जो सॉइल है वो अच्छे से टाइट और इवनली उस पर एक प्रेशर लग के वो बिल्कुल नीचे तक दब जाए। एंड इसके बाद दोस्तों आपको सॉइल की पॉइजनिंग करानी पड़ती है, जिसमें आप दोस्तों इसमें पेस्टिसाइड्स छिड़कते हैं कुछ ऐसे, जिससे कि आपकी सॉइल में पॉइजन क्रिएट हो जाए और आपको 2 दिन घर को छोड़ देना पड़ता है, जिससे कि दोस्तों आपकी सॉइल में अगर कोई जानवर हो जैसे सांप दबे हुए हों या कोई चींटियों ने अपना झुंड बना रखा हो उस सॉइल के अंदर, तो दोस्तों वो सॉइल के अंदर ही मर जाए और वो फ्यूचर में आपको दिक्कत ना दे। मेरे कई क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं कि डीपीसी इंस्टॉलेशन इंपॉर्टेंट है या नहीं, मैं सबको बोलूंगा बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि घर में नीचे 1 से 1.5 feet यानी हमारी जो टाइल की स्केटिंग होती है उससे ऊपर नीचे सीलन होती है, लोग सोचते ही रह जाते हैं क्यों होती है। दोस्तों उसका एक ही रीजन होता है, हमारी जो डीपीसी है वो जितनी भी नीचे सॉइल की मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी है उसको ऊपर शिफ्ट होने से रोकती है। डीपीसी बनवाने के बाद दोस्तों आपको उस डीपीसी के ऊपर डॉक्टर फिक्सिट का बिटुमिन बिटुफिक्स ये जरूर अप्लाई करवाना है। ये एक प्लास्टिक सी कोटिंग बना देता है जिससे कि हमारे सॉइल के नीचे की जितनी भी मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी है वो हमारे ब्रिक में जाके ट्रांसफर नहीं होती।
अब दोस्तों आपने सॉइल फिल करवा दी, इसके बाद दोस्तों आप अपने घर में तीन तरीके के पाइप्स इंस्टॉल करवाते हैं। एक होता है दोस्तों ड्रेनेज पाइप जो बारिश का पानी आपके घर से निकालेगा, दूसरे होते हैं दोस्तों आपके वेस्ट पाइप जो आपके वॉशरूम का वेस्ट निकालेगा, और एक दोस्तों होता है हमारा सेवर पाइप वो हमारे पॉटशीट्स का वेस्ट निकालता है। दोस्तों सबसे नीचे फाउंडेशन वर्क हुआ, फाउंडेशन के ऊपर हमारी प्लिंथ बीम एंड डीपीसी होती है, तो प्लिंथ बीम तक ही हमें सॉइल भरवानी पड़ती है। प्लिंथ बीम से लेकर के डीपीसी तक दोस्तों हम यहाँ पे एक बेड क्रिएट करते हैं जो कि पीसीसी बेड होता है, जिसमें रोड़ी बजरी और सीमेंट मिक्स करके हम बेड बनाते हैं, जिससे कि हमारे पूरे घर को एक इवन टफ एंड कॉन्क्रीट स्लोप मिले। मतलब हमारा कॉन्ट्रेक्टर होता है वो सबसे पहले जो कॉलम हमारे प्लेस करता है वो 10-12 feet के होते हैं। तो दोस्तों जो घर होता है घर की उस पीसीसी बेड तक ही रफली हमारा 6-7 feet कॉलम कवर हो जाता है। तो दोस्तों आफ्टर 3-4 feet हमारे कॉलम रॉड्स का एक्सटेंशन करवाना पड़ता है। तो दोस्तों कॉलम रॉड एक्सटेंशन कराने के तीन टेक्निक्स है, एक है दोस्तों कपलिंग, एक है दोस्तों वेल्डिंग, एक है दोस्तों लैपिंग। इन तीनों में से दोस्तों 90% जगहों पे लैपिंग यूज होती है, पर ज्यादा बेटर कपलिंग रहती है। दोस्तों ब्रिक वर्क आपके इंजीनियर ने डिजाइन कर रखा होगा कि कहां कहां 9 inches वॉल रहेगी, कहां कहां 4 inches वॉल रहेगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रेड ब्रिक से कराएं या फ्लैश ब्रिक से कराएं, दोनों के दोस्तों प्रोज एंड कॉन्स है जिसको मैं फ्यूचर में अलग वीडियो में कवर करूंगा। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप माइल्ड स्टील और डोर और विंडो के फ्रेम आप चूज करते हैं, या आप स्टोन के डोर विंडो फ्रेम यूज करते हैं, या आप सील वुड के फ्रेम और विंडो इंस्टॉल करवाते हैं। दोस्तों हमारा सारा का सारा ब्रिक वर्क हो गया। इस ब्रिक वर्क के ऊपर दोस्तों हम हमारे ब्रिक और कॉलम वर्क के ऊपर दोस्तों अब हम हमारा स्लैब कास्टिंग करवाते हैं, जिसके ऊपर हमारी RCC छत डालते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने अपने कॉन्ट्रेक्टर से जो बात की थी तब आपने उससे प्लेट इंस्टॉलेशन की स्लैब कास्टिंग की बात की थी, या आप फंटी इंस्टॉलेशन यानी जो वुड के फ्रेम्स होते हैं उसकी इंस्टॉलेशन की बात की थी। दोस्तों आजकल 90% घरों में प्लेट इंस्टॉलेशन ही होता है, तो आप प्लेट इंस्टॉलेशन ही कराएं। तो ये जैसे आपने अपने कॉन्ट्रेक्टर से बात की है वो उस अकॉर्डिंग आपकी स्लैब कास्टिंग करेगा। इसके बाद हमारे स्लैब की कास्टिंग होती है जो कि स्टील बार से होती है, वो दोस्तों जनरली 10 mm से होती है या 12 mm से होती है। ये आपको आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर बताएगा कि आपके यहाँ पे जनरली किस mm की थिकनेस के स्टील बार से स्लैब कास्टिंग होगी। तो दोस्तों आपने पूरे घर की स्लैब कास्टिंग करवाई, स्लैब कास्टिंग के बाद में आपने स्लैब रीइंफोर्समेंट कराया यानी स्टील बार बिछवाए। अब दोस्तों जो आपकी बीम्स होती हैं कॉलम टू कॉलम कनेक्ट करने वाला जो आपका स्ट्रेंथ है वो बीम से आती है। तो दोस्तों जो बीम इंस्टॉलेशन है वो अभी ही हो जाएगा, यानी बीम्स की जितनी भी हमारी कास्टिंग होगी बीम्स की जो स्टील बार की कास्टिंग है वो अभी ही हो जाएगी। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कई बार आप घरों में देखते होंगे कि जो रूफ होती है यानी जो छत होती है उसके नीचे हमें स्टील बार्स देखने को मिलती हैं जब अगर POP उतरने लग जाता है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती है जो बहुत पहले की जाती थी, पर आजकल इसे अवॉइड करने के लिए कवर ब्लॉक्स जिन्हें मार्केट में बोला जाता है गिट्टी, ये दोस्तों सीमेंट के ब्लॉक्स होते हैं, इनका यूज किया जाता है। दोस्तों इनका क्या रोल होता है, जो आपने दोस्तों स्लैब लगवाई इस स्लैब के ऊपर दोस्तों डायरेक्ट स्टील बार्स नहीं आनी चाहिए, यानी हमारा जो स्लैब रीइंफोर्समेंट है वो डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, उनके बीच में गैप रहना चाहिए जिससे कि जो हमारा कॉन्क्रीट है उसके अंदर स्टील बार्स रहे लेकिन नीचे रहे। तो उसके लिए दोस्तों हम कवर ब्लॉक्स लगाते हैं। पहले दोस्तों इसकी जगह मार्बल के ब्लॉक्स लगाए जाते थे। दोस्तों मार्बल के ब्लॉक्स कई बार टूट जाते हैं या गिर जाते हैं, इस चीज का आपको ध्यान देना है कि आपके जो ब्लॉक्स हों वो सीमेंट ब्लॉक्स हों। जो आजकल गिट्टी चल रही है दोस्तों ज्यादा महंगे नहीं आते, ये जनरली 100 rupees का पैकेट आता है एंड 1000 square feet स्पेस में आपके 7-8 packets लगने हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो अब जब आपने सब कुछ कास्टिंग भी करवा दी, आपने बीम इंस्टॉलेशन करा दिया, आपने कवर ब्लॉक्स डलवा दिए, अब आप दोस्तों अपनी आप छत डलवाते हैं। दोस्तों इस चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपके कॉन्ट्रेक्टर के पास में हैंड वाइब्रेटर एंड प्लेट वाइब्रेटर हो। दोस्तों हैंड वाइब्रेटर जो होता है वो आपके जितने भी छत है उसके अंदर वो गैप्स नहीं रहने देता, जैसे हम बोलते हैं इंजीनियरिंग लैंग्वेज में हनीकॉम गैप, यानी कहीं पे भी ऐसा ना हो कि कुछ गैप रह जाए या बबल रह जाए। वो वाइब्रेटर जब चलता रहता है तो कहीं गैप नहीं रहने देता, इवनली हर जगह जितना भी हमारा मिक्सिंग मटेरियल होता है वो सबको स्प्रेड करता है। एंड दोस्तों जो प्लेट वाइब्रेटर होता है वो दोस्तों आपकी छत के एक इवन स्लोप मेंटेन करता है, ऐसा नहीं होता कि कहीं थोड़ा ज्यादा सामान डल गया कहीं कम डल गया या स्लोप जो है ऐसा बहता हुआ सा दिखे, वो इवन स्लोप के लिए प्लेट वाइब्रेटर की बहुत जरूरत रहती है। जनरली दोस्तों ये 5 inch की छत होती है, कई लोग इसे 6 inches की छत भी बनवाते हैं। तो दोस्तों ये आपके स्ट्रक्चर इंजीनियर बताएगा कि आपके एरिया के क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग कितने इंच की छत होनी चाहिए।
दोस्तों हमारा प्लम्बर आता है, उसे आपको बताना पड़ता है कि आप अपने घर के वॉशरूम्स में एंड किचन में कितने कितने टैप्स चाहते हैं, कहाँ कहाँ आपकी वॉश बेसिन वैनिटी बनेगी, एंड आपके वॉशरूम्स में आप मिक्सर यूज करना चाहते हैं आप अपने हॉट और कोल्ड वाटर के लिए, और आप डाइवर्टर यूज करना चाहते हैं। दोस्तों अभी ही पाइप्स का इंस्टॉलेशन उस अकॉर्डिंग करता है। एंड दोस्तों इसके अलावा आप अपने वॉशरूम्स में दोस्तों इंडियन पॉट स्विच इंस्टॉल कराना चाहते हैं, और इधर आप वेस्टर्न पॉट इंस्टॉल कराना चाहते हैं। वेस्टर्न में भी दोस्तों आजकल दो ऑप्शन है, एक है वॉल हंग और एक होता है दोस्तों फ्लोर वन पीस। अभी दोस्तों आप अपने प्लम्बर को बताएंगे तो उस अकॉर्डिंग ही वो पाइपिंग को करेगा। अब दोस्तों आप अपने इलेक्ट्रिशियन को बताते हैं कि आपको अपने रूम्स में कहां कहां पे कितने कितने सॉकेट्स चाहिए, कितने कितने पॉइंट चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग अभी ही दोस्तों छत से कनेक्ट करते हुए, जो उन्होंने छत में पाइप्स लगा रखे होते हैं दोस्तों, उससे कनेक्ट करते हुए आपके रूम से उसका रास्ता बनाते हुए वो पाइप्स को घुमाते हुए ले आता है। और कहां पे आपके रूम में एसी इंस्टॉल होगा तो उस अकॉर्डिंग दोस्तों एसी की पाइपलाइन अभी से ही क्रिएट करते हैं। वॉल डायरेक्ट रेन के कॉन्टेक्ट में है, वहां दोस्तों आपको 1 इंच का प्लास्टर कराना पड़ता है। जो वॉल दोस्तों आपके रेन के कॉन्टेक्ट में नहीं है, वहां दोस्तों अंदर की साइड की वॉल्स में आप 0.75 इंच का प्लास्टर करा दीजिए। और दोस्तों जो वॉल्स आपकी दो रूम्स की इंटरकनेक्शन में है, वहां भी दोस्तों आप 0.75 का करा सकते हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने घर में फ्लोर में आप क्या यूज करेंगे, आइदर टाइल और मार्बल। अब दोस्तों टाइल्स में जो मार्केट में जनरली टाइल्स जो अवेलेबल है वो है दोस्तों विट्रीफाइड टाइल्स, PGVT टाइल्स, डबल चार्ज टाइल्स और नैनो टाइल्स। मार्बल में भी दोस्तों कई ब्रांड्स, कई वैरायटी होती है, सोनिया कुमारी, मीना कुमारी, प्योर मकराना, व्हाइट मकराना, स्लैब मकराना, कई लोग दोस्तों इटालियन मार्बल यूज करते हैं। तो ये सब आपके बजट के ऊपर एंड आपकी प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज करना चाहते हैं। और हाँ दोस्तों इस चीज का जरूर आप ध्यान दें कि जब भी आप अपना फ्लोर इंस्टॉल कराएं तो आप केमिकल का यूज जरूर करें दोस्तों, जिससे कि दोस्तों आपकी जो टाइल्स की ग्रिप है वो और ज्यादा अच्छी हो जाती है। और टाइल्स में आप नॉक करके देखेंगे जनरली वो साउंड एक ब्लैंक साउंड बचती है, उसका यही रीजन होता है दोस्तों, वो केमिकल यूज नहीं करते हैं। घर के जो आउटर साइड होती है, जो रेन का एक्सपोजर जहां पे ज्यादा होता है, वहां आप अपना बिरला पुट्टी करें दोस्तों, वो आपके घर के अंदर इजीली सीलन नहीं आने देती। जो दोस्तों बिरला पुट्टी होता है वो एक तरीके का व्हाइट सीमेंट ही होता है। घर के अंदर जो इनर वॉल्स होती है उसमें आप POP का एक हाथ अभी करा दे दोस्तों। POP घर के अंदर इसलिए करानी चाहिए क्योंकि दोस्तों जो पेंट के लिए हमें अच्छी लेवलिंग की वॉल चाहिए होती है वो POP से ही आती है, बिरला पुट्टी से वो इजीली नहीं हो पाती। तो घर के इनर वॉल्स में आप POP यूज करें, घर के आउटर वॉल्स में बिरला पुट्टी यूज करें दोस्तों। वुडवर्क जो होता है वो हमारा कारपेंटर करता है। इस वुडवर्क करने जब वो आता है दोस्तों, वो क्या क्या चीजें डिजाइन करता है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। वो आपके वार्डरोब्स बनाएगा, वो आपके डोर इंस्टॉल करेगा, वो विंडोज इंस्टॉल करेगा, वो आपकी मॉड्यूलर किचन डिजाइन करेगा, एंड अगर आप अपनी वॉश बेसिन वैनिटी बनवाना चाहते हैं तो वो आप वुडवर्क से करा सकते हैं। अब दोस्तों आप अपने प्लम्बर को बुला करके सारी फिटिंग्स कराएं। इसमें दोस्तों आप घर के सारे की सारी सैनिटरी फिटिंग जैसे कि वॉश बेसिन, वन पीस और वॉल हंग्स, और आपके जो टैप्स रहेंगे हॉट कोल्ड वाटर, जो आपके डायरेक्ट के टैप्स रहेंगे, डायरेक्ट वाटर रहेंगे यानी जो मोटर के बटन प्रेस करने का जो टैप्स हैं, ये सारी की सारी चीजें प्लम्बर साहब के आके जितनी भी सैनिटरी है वो भी फिट करके जाता है। दोस्तों बड़े टाइम से लोग फॉल सीलिंग करा रहे हैं तो दोस्तों बड़ी सुंदर भी लगती है। अभी आपके बजट के ऊपर एंड आपकी प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, आप POP फॉल सीलिंग कराना चाहते हैं, आप जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग कराना चाहते हैं, या PVC फॉल सीलिंग कराना चाहते हैं। तो दोस्तों फॉल सीलिंग कराने का करेक्ट टाइम होता है, इसमें दोस्तों आपके इलेक्ट्रिशियन की भी जरूरत पड़ेगी, आपके जो आपके वायर्स का वे थ्रू बना के जाएंगे आफ्टर चैनल इंस्टॉलेशन, यानी जो हमारी जो सीलिंग है, सीलिंग से नीचे फॉल सीलिंग होने के बीच में जो हमारे जो हाइट है वो क्रिएट होती है चैनल से, तो इन चैनल्स के बीच में से जो वायरिंग का जो हमारा वे थ्रू बना के जाएगा वो इलेक्ट्रिशियन बना के जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों इलेक्ट्रिशियन को बुलाने का करेक्ट टाइम है, अब आप उसे बुलाएं। आप अपने जितने भी स्विच हैं, सॉकेट्स हैं, आप जितने भी अपने फैन हैं, लाइट्स हैं, उन सबको इंस्टॉल करवाएं। अब दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर कुछ वॉलपेपर्स इंस्टॉल कराना चाहते हैं तो आप वॉलपेपर इंस्टॉल करवा सकते हैं दोस्तों, और नहीं तो दोस्तों आप रॉयल पेंट, टेक्सचर पेंट, मेटलिक पेंट, आप क्या कराना चाहते हैं वो आप करा सकते हैं। बट दोस्तों हाँ, अगर आप कॉन्ट्रेक्टर हैं एंड आपको घर बेचना है तो आप पेंट वर्क करवाएं, पर अगर दोस्तों आप अपने रहने के लिए घर बना रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आफ्टर 6 to 8 months ही आप पेंट कराएं। अभी आप व्हाइट वॉश के बाद में प्राइमर की एक कोटिंग करवा करके छोड़ दें एंड वेट कीजिए 6 to 8 months का, क्योंकि दोस्तों कितने भी परफेक्शन से घर बनाया जाए कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। अभी आप 6 से 8 महीने वेट कीजिए, आप चेक कीजिए कि
कहाँ कहाँ पे क्रैक्स आते हैं दोस्तों, कहाँ कहाँ पे हमारे पाइप वर्क के चक्कर में हमारे जो पाइपिंग है क्या पता उसमें कोई फॉल्ट रह गया हो दोस्तों, जिसके चक्कर से घर के अंदर सीलन आने की बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो 6 to 8 months आप दोस्तों वेट करें, ये ज्यादा बेटर रहेगा, उसके बाद अपना पेंट करें दोस्तों। इन 30 steps को आपने फॉलो किया दोस्तों तो आपके घर पे ओवरलैपिंग के चांसेस खत्म हो जाते हैं, यानी आपके मटेरियल के वेस्टेज के चांसेस खत्म हो जाते हैं। एंड स्टेप्स है वो ढंग से फॉलो होने से दोस्तों टाइम भी बचता है, एंड आपका कॉन्ट्रैक्टर अगर आपको 30 steps की नॉलेज है तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर आपका चीट भी नहीं कर सकता। ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो कोई स्टेप छोड़ दे, कि कई बार जनरली दोस्तों देखा गया है कि कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो DPC इंस्टॉल नहीं करते, जो स्लैब कास्टिंग है दोस्तों उसको उसकी थिकनेस थोड़ी कम करते हैं दोस्तों, उसके अलावा दोस्तों जो कॉलम है वो कॉलम की थिकनेस जो है वो कम कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको सारी की सारी चीज़ें फ्यूचर में डिटेल में जाननी है तो दोस्तों इस चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन दोस्तों पता चलती रहे। मैं दोस्तों सारे स्टेप्स को, हर इंडिविजुअल स्टेप को एक इंडिविजुअल वीडियो में कवर करने वाला हूँ, जिससे कि दोस्तों हर स्टेप की आपको एकदम डिटेल एंड डेप्थ नॉलेज हो जाएगी कि किस किस स्टेप में किन किन चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ता है। और हाँ दोस्तों, मैं मेरे सारे सिविल इंजीनियर दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि मैं आप सबके लिए ऑटो कैट के पूरा ट्यूटोरियल इसी चैनल के थ्रू लाने वाला हूँ, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि ऑटो कैट पे कैसे डिजाइनिंग करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा और आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल के सपोर्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे मोटिवेशन के लिए दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, एंड फ्यूचर में आप मुझसे किस टाइप की वीडियो एक्सपेक्ट करते हैं।